मणिपुर दे विच आखिर की हो रहा है, मणिपुर दे विच फैली हिंसा का कारण की है, हिंदुआ अते ईसाइयां दे विचाले मसला की है। तुसी जुड़े हो पंजाब प्रथम दे नाल, मैं तुहाडे नाल मनप्रीत तौलक। पंजाब दे बहुत सारे लोगों तक ये खबर तो पहुँच चुकी है कि मणिपुर दे विच इस समय हालात ठीक नहीं है। उत्थे लोगों के हफड़ा तफड़ी मची हुई है, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए ने, उतों दियाँ बीबिया दिया इज्जत लुटिया जा रही ने। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों की इज्जत के नाल खिलवाड़ कर रहे ने। यह भी पता लग गया होगा कि सरकार इस सब नूं संभालन दे विच नाकामयाब रही है। नैशनल मीडिया ने भी इस मुद्दे नूं बिल्कुल दबा के रख दिता, पर जदों वो वीडियो क्लिप वायरल होंदी है जिस दे विच 19 तो 21 साल दियां कुड़ियां दे नाल बदसलूकी की गई, उन्हां दा बलात्कार किया गया, बहुत दिल नूं झंझोड़ देण वाली वो वीडियो वो खबर जदों बाहर आई, उस तों बाद कि मीडिया ने इस दे उत्ते गलबात की। 70 तो 80 दिन का समय लग गया गल करन, देश के प्रधानमंत्री ने गल की, पर पंजाब के बहुते लोगों अजे तक यह नहीं पता लगा कि आखिर इस लड़ाई के पिछे कारण की है, उत्ते हो की रहा, केड़ी गल तो हिंदू अते ईसाई ज कह लिए कि कुछ कबीले के लोग एक दूसरे के नाल लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुहानू दस दिए कि मणिपुर एक अजिहा इलाका है जो कि पार्ट के वंडिया होया, डिवाइड्स है, एक पासे समतल एरिया तो दूसरे पासे पहाड़ी एरिया, अते उत्थों दिया दो मुख कौमां कह लिए जां दो जिहड़े उत्थों दे वर्ग ने, एक ने मैतई जो कि ज़्यादातर हिंदू ने, से सब तो वध गिणती दे विच मैतई लोग उत्थे रहिंदे ने, उन्हां दी आबादी तकरीबन 50% तो 55% दे विचाले दसी जांदी है, जो कि मणिपुर दे 10% जो कि समतल एरिया है उत्थे रहिंदे ने, ते दूसरे पासे कुकी ने ते उन्हां दे नाल नागे भी ने। ये दो कम्यूनिटियां मणिपुर के 90% हिस्से ते रहिंदियां ने, क्योंकि वह सारा फॉरेस्ट एरिया मतलब पहाड़ी एरिया है, तो उत्थे कुकी रहिंदे ने। अते इस दे विचाले ये गल समझन की लोड़ है कि जेड़े मैतई लोग है उन्हां नूं पहाड़ी एरिया दे विच जिथे कुकी रहिंदे ने उत्थे जमीन खरीदन की इजाजत नहीं है, तो उही रूल जेड़ा वो कुकी वर्ग के लोगों के उत्ते भी जारी है, क्योंकि उन्होंने मैतई एरिया दे विच जमीन खरीदन की इजाजत नहीं है। पर मैं इत्थे तुहानू दस देवां कि ज़्यादातर अधिकार जो मणिपुर के सरकारी ने वो मैतई वर्ग के लोगों के कोल है, सरकारी नौकरियों के उन्हां दी रिजर्वेशन है, अते होर कई तरह के अधिकार जिहड़े आ वो मैतई वर्ग के लोग माणदे ने, क्योंकि उन्हां दा एरिया थोड़ा जिहा वो तरक्की वाला एरिया दस्या जांदा, ते दूसरे पासे जिहड़े कुकी वर्ग के लोग ने तां उह खेतीबाड़ी कह लिए जां अफीम की खेती करके जां किवें ना किवें पहाड़ां दे विच जो भी प्रॉब्लम्स आउंदियां ने उस उन्हां नूं कट के फेस करके अपनी जिंदगी बिताउंदे ने। तां असल प्रॉब्लम होई की तां मैतई वर्ग के लोगों का यह कहना है कि सानू भी कबीले दे विच शामिल किया जाए तां जो असी भी उस जगह दे उत्ते जाके जमीन खरीद सकीए जिथे कुकी रहिंदे ने। तो दूसरे पासे फिर कुकियां दा ये कहना सीगा कि जेकर इन्हां नूं ये इजाजत मिल गई कि ये साडी जमीन दे विच जगह खरीद सकदे ने तां असी तां बिल्कुल लुट्टे जावांगे, क्योंकि नौकरियां दे विच भी यही बैठे ने, ते जिहड़ी सरकार है सरकार दा 80% हिस्सा भी मतई वर्ग च आउंदा है, ते जेकर सारे अधिकार इन्हां दे कोल हो गए तां इह सानूं लुट लैणगे ते आउण वाले समें दे विच साडे उत्ते जुल्म करनगे। उस तों बाद मणिपुर दी सरकार जो कि भाजपा दी आ उन्हां दे वल्लों एक फॉरैसट डिपार्टमेंट नूं हुक्म किया गया कि वह फॉरैसट डिपार्टमेंट की निशानदेही करवाउण अते जिन्हें भी जंगलों पहाड़ों के घर आउंदे आ उन्हां नूं ढा देण, क्योंकि वो उत्थे जी जमीन खड़िया करना चाहते, बिल्डिंगा खड़िया करना चाहते, सड़क क्ढ़निया चाहते सी, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के जो कुकी कबीले के नाल संबंध रखते ज़्यादातर क्रिश्चन ने, तो उन्होंने घर ढा दिते गए। उस तो बाद 28 अप्रैल एक वड्डा मार्च भी कढ़िया गया जिस दे विच काफ़ी हिंसा हुई,
पुलिस के नाल एक वड्डा टकराव होया। उस तो बाद एक होर रैली कढ़ी गई 3 मई नूं, बहुत वड्डी रैली सी कुकी समाज के अते नागा समाज के लोगों के वलों। ये रैली सी उस मंग के खिलाफ जो कि मतई लोगों के वलों उठाई जा रही सी कि सानू भी कबीले दे विच शामिल किया जावे तां जो असी जमीन खरीद सकीए पहाड़ी एरिया दे विच। तां ओ रैली 3 मई 2023 नूं निकली जो कि रात हुंदे हुंदे एक हिंसा का रूप लै गई। उस तो बाद बहुत कुछ हुंदा है 4 मई 2023 दी वो वीडियो जिस दे विच कुकी समाज दियां बीबियां दे नाल जिहड़ा दुष्कर्म किया जाता है, उन्हां दा बलात्कार हुंदा है, हज़ारां दी गिनती दे विच जिहड़े लोग 2-3 बीबियां नूं निर्वस्त्र करके उन्हां दे नाल इह गंदा काम करदे ने, वह वीडियो भी आ जाती है। तो एक दिन दे विच इन्नी हिंसा भड़क जाती है। हुण तक दस्या जा रहा है कि 150 लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारां लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। तो यो चीज़ा ने जिन्हां दे कारण उत्थे हिंसा भड़की, पर इस दे विचाले सरकार नाकामयाब नज़र आई है, उत्थों दे मुख्यमंत्री नाकामयाब नज़र आए हैं। उन्होंने कोल ही गृह विभाग भी है। दूसरे पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 79-80 दिन बाद इस घटना के उत्ते बोलते हैं, ज मणिपुर के उत्ते कुछ ना कुछ उन्होंने बयान आता है। तो सारे पासे सरकार पूरी तरह फेल नज़र आई है, पर फिर भी नैशनल मीडिया इस मुद्दे को दबदा हुआ दिखाई देता है। पर यह दो कौमों के विचाले जिहड़ी लड़ाई है ये सरकारी है जां आपस दे विच एक सरकार भी कोई लड़ाई खड़ी कर देंदी है दो कौमों के विचाले, जां ये सचमुच इस पूरे मुद्दे को समझण की लोड़ है, बैठ के सुलझाउण की लोड़ है। ये तो उत्थों के लोग वध दस सकते हैं, पर असी जिहड़ी जानकारी तुहाडे तक शेयर की है तुहानू किवें लगी कमेंट बॉक्स के जरूर दसना।